फिरोजाबाद पॉजिटिव हरकेश की हुई मौत, परिवार वालों ने आइसोलेशन वार्ड के बाहर जाकर किया हंगामा। हरकेश ने रात को की थी भागने की कोशिश, एक गार्ड के साथ भी की थी मारपीट। पिटाई का लाइव वीडियो भी है। सीएमएस ने की मरीज की मौत की पुष्टि। 25 मई को आइसोलेशन वार्ड में हरकेश नाम का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भर्ती हुआ था, जिसका वहां इलाज चल रहा था। कल रात को हरकेश ने आइसोलेशन हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल पर लगी खिड़की को तोड़कर वह किसी तरह नीचे आ गया और उसने भागने का प्रयास किया। जब उसे वहां मौजूद गार्ड ने रोका तो हरकेश ने उसके डंडा मार दिया। रात को भी हरकेश को काफी समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी उसने गार्ड के डंडा मार दिया, जिससे गार्ड घायल हो गया। उसे उपचार के लिए भेज दिया, लेकिन हरकेश फिर भी हंगामा कर रहा था, तो उसे कर्मचारियों ने पीपी किट पहनकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन सुबह होते होते उसकी हालत काफी बिगड़ गई और सुबह 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत की खबर परिवार वालों को लगी तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। वे आइसोलेशन हॉस्पिटल के बाहर आकर हंगामा करने लगे। उनका कहना था कि रात को तो वे ठीक थे, फिर सुबह कैसे मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में सीएमएस आलोक कुमार ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया है कि रात को हरकेश ने तीसरी मंजिल की खिड़की तोड़कर भागने का प्रयास किया था, उसके बाद उसकी हालत सुबह बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए ऐसा है, 25 तारीख को रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास एक कोरोना पॉजिटिव रोगी श्री हरकेश जी आए थे। वो हमारे यहाँ इलाज उनका चल रहा था। कल अचानक वो थोड़ा सा परेशान हुए तो उन्होंने भागने का प्रयास किया था। फिर उन्हें समझा बुझा दिया गया था, फिर उनका इलाज शुरू हो गया था और इलाजरत थे। उनका इलाज हमारे चिकित्सक लोग कर रहे थे। आज प्रातः 6:20 पे उनका दुखद निधन हो गया है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।